पब्लिक टीवी आपकी आवाज। लघु उद्योग भारती और दी हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन की संयुक्त बैठक रामगंगा बिहार स्थित एक होटल में की गई। बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर लघु उद्योग भारती के प्रदेश उपाध्यक्ष अजय गुप्ता जिम्मी, LUB संभाग महामंत्री अमित अग्रवाल, EPCH के CEO मेंबर शरद बंसल और EPCH के CEO मेंबर हेमंत जुनेजा रहे, तो वहीं CA पुनीत बर्मन और CA अभिनव अग्रवाल स्पेशल गेस्ट रहे। बैठक की अध्यक्षता सतपाल फूला और अब्दुल अजीम ने की। इस दौरान बैठक का संचालन LUB के महासचिव रचित अग्रवाल ने किया। इस दौरान बैठक की शुरुआत करते हुए मुरादाबाद ECGC के ब्रांच मैनेजर संदीप सिंह ने प्री शिपमेंट कवर और डोमेस्टिक क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में जानकारी दी। संदीप सिंह ने बताया कि निर्यातकों के लिए एक अच्छी स्कीम है और निर्यातकों के लिए अन्य स्कीमों को भी लॉन्च किया जा रहा है। तो वही बैठक में मौजूद CA पुनीत बर्मन और CA अभिनव अग्रवाल ने 43B के भुगतान को लेकर विभिन्न प्रकार की जानकारियां दोनों ही गेस्टों के द्वारा दी गई। बैठक कर बताया कि इनकम टैक्स की धारा 43B में MSME के सभी पंजीकृत इकाई 15 से 45 दिन के भुगतान कराने का सरकार ने निर्णय लिया है। इस मामले में लघु उद्योग भारती की स्थानीय इकाई ने सेंट्रल ऑफिस को अवगत कराया है। सेंट्रल ऑफिस ने तत्काल इस मामले में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष ज्ञापन प्रेषित किया। आज की बैठक में समय महत्वपूर्ण बात ये रही कि आज जो ये मीटिंग हुई है, इंटरेक्शन मीटिंग हुई है, इसमें हमारे दो CA ने हमारे एक्सपोर्टर्स को ये बताया कि 43B के अगेंस्ट किस तरीके से हमें काम करना है, उसके तरीके बताए। उससे सब हमारे एक्सपोर्टर्स की नॉलेज बढ़ी है और आगे भी इस तरीके के कार्य होते रहेंगे, जिससे कि एक्सपोर्टर्स को कोई भी दिक्कत आए उसमें उन्हें नॉलेज मिलती रहे। भाई ये तो जिसने बाइट दी है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता है कि लघु उद्योग भारती क्या कर सकती है, और जब उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि ये काम सिर्फ लघु उद्योग भारती करवा सकती है, ये 43B को हम आज नहीं, जिस दिन ये लागू हुआ था उसी दिन हमने अपने ऑफिस को लिख दिया था। हमारी संस्था कोई लोकल लेवल की संस्था नहीं है, एक नेशनल लेवल की संस्था है। हमें प्रोटोकॉल फॉलो करने पड़ते हैं, हम प्रोटोकॉल के थ्रू जाते हैं। हमारे प्रोटोकॉल ये है कि हम यहाँ से अपनी चिट्ठी स्टेट को भेजते हैं, स्टेट जो है सेंट्रल को भेजता है, सेंट्रल जो है मिनिस्ट्री से संपर्क करके उसको आगे बढ़ाता है। इसकी प्रक्रिया जारी है, हम अभी आराम से नहीं बैठे हैं। हमारी हर वक्त यही कोशिश है 31 मार्च से पहले कि हम कुछ ना कुछ करवा दें। ये लॉ वापस तो नहीं होएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि एक साल के लिए डिले करवाने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। आज हमने लघु उद्योग भारती और हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन दोनों के मिलकर एक संयुक्त रूप से एक मीटिंग करी, जिसमें अपने अपने सारे मेम्बरान को इन्वाइट करके 43BH के लिए जो भ्रांतियाँ हैं या उससे जो परेशानियाँ हो रही हैं उसके बारे में डिस्कस करने के लिए हमने मीटिंग रखी थी। हमने इसमें दो माननीय CAs को बुलाया हुआ था, श्री अभिनव अग्रवाल जी तथा श्री पुनीत बर्मन जी, जिन्होंने इसके ऊपर हमारे को काफ़ी ज्ञानवर्धन दिया और उन्होंने बताया कि इसमें क्या क्या परेशानियां हो रही हैं, हमें इससे कैसे बचाव रखना है, हम कैसे अपने आप को सेव कर सकते हैं। बीइंग एन एसोसिएशन हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 43BH की जो भी परेशानियाँ हैं या इसके अंदर जो रिलैक्सेशन हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं, उन लेने की पूरी कोशिश करें। लेकिन इसके साथ साथ ही अगर इस नीति में कोई रिलैक्सेशन हमें नहीं मिला तो हमें कैसे अपने आप को बचाव करके चलना है, अपने सप्लायर्स को अपने साथ लेके चलना है, पेमेंट प्रोसेस को कैसे लेके चलना है, ये सब बातें के लिए हम आज ही मीटिंग को ओपन हाउस करी गई थी, जिसके लिए हमारे दोनों CAs ने हमारे को काफ़ी हेल्प करी है। आज जो बैठक हुई है वो ज़्यादा करके 43BH जो इनकम टैक्स में एक्ट आया है उसके ऊपर मैंने दो CAs को इन्वाइट किया था, उन्होंने रोशनी डाली है। और मैं यहाँ ये भी बता दूं कि हमने एक PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली है और हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी रिक्वेस्ट को देखेगा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हमारी फेवर में ज़रूर जजमेंट देगा। और आज की जो बैठक ज़्यादा करके तो हमारे सारे मेंबरों को CAs ने अपडेट किया है, बाकी तो लोगों ने डिस्कशन किया। अभी एक्ट नया है, इस एक्ट को समझने में भी टाइम लगेगा और फॉर्म हमने आज बंटवा दिए हैं, वो फॉर्म सारे लोग अपने अपने सप्लायर से भरवा लें और रिकॉर्ड रखेंगे और जितनी
जितना मेंटेन कर सकते हैं रिकॉर्ड को, क्योंकि जो इंटरेस्ट है वो बैंक रेट का 3 गुना लगेगा अगर आप पेमेंट 45 दिन में नहीं करते, ये बहुत कठिन होगा, वो रिफंडेबल नहीं है। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।